हाई स्कूल अहमदाबाद गुजरात की ये प्रस्तुति आपके समक्ष सादर। ई प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी प्रस्तुति का सारांश, संकल्पना और संदेश। इतिहास गवाह है, पहले हम बच्चियों को दूध पीती करते थे, आज हम कोख में ही कन्या भ्रूण की हत्या कर देते हैं। आज लिंग अनुपात में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या घट रही है, लिंग में स्त्री पुरुष असमानता बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति के प्रखर विद्वान, युवा मानस के आइकॉन स्वामी विवेकानंद ने अपने दोस्त को पत्र में अमेरिकी समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सद्भाव तथा समानता की भावना देखी, उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा, हमारी संस्कृति में स्त्री का उत्तम स्थान होते हुए भी जनमानस का स्त्री के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार की घोर निंदा करता है। आज़ादी के 60 सालों के बाद भी हमें लोगों को जगाना पड़ रहा है। हम संस्कृति के धारक एवं वाहक हैं, जहाँ स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है। सृष्टि की संवर्धिका है स्त्री, जगत जननी है, हम उसको ही धरती पर आने से रोक रहे हैं। पौराणिक युग की देवी अहल्या, ऐतिहासिक युग की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विश्व की महान नारी प्रतिभाएं मैरी क्यूरी, हेलेन केलर, भारतीय नारियां मैडम कामा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कस्तूरबा, मदर टेरेसा, कितने नाम और चेहरे हमारे सामने उभरते हैं। ये सारी महिलाएं तो थी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें उनके माता पिता को सलाम करना चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने इन बेटियों को केवल जन्म ही नहीं दिया, उन्हें पढ़ाया, शिक्षित किया, ताकि ये सारी कुल दीपिकाएं खुद की और समाज की दीवादांडी बने और विकास के सारे पथ को प्रकाशित करें। और उन्होंने किया भी। मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं, अंधेरा भी है, हमारी बेटियां जो हमारी कुल दीपिकाएं हैं, वो ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। भवाई स्वयं गुजरात की कला बेटी है, हमने अपना सामाजिक संदेश आप तक पहुंचाने के लिए भवाई को माध्यम बनाया है। चिड़िया पुकार दे दो मना मेरी। ए मारी पागली पाड़ी, तुम्हारा डागड़ा मारी पागली पाड़ी, फकीर ने पूछ ली नगा हमरा मिलो और वोट कर। अबे तेजा मोरो तारो घर खोटू, क्या कहता है आ पागली मारी पागली पाड़ी डागड़ा। क्या है भवाई? हम तो भवाई इसलिए यानी लोक नाटक, लोगों के रोजमर्रे जीवन का प्रतीकोष। यानी शुरुआत, इस कला की शुरुआत वर्षों पहले असाई ठाकर ने की, जिसके पीछे कारण था लोगों की प्रचलित बुराइयां। भवाई नॉर्मली भवाई के माध्यम से व्यंग तथा विनोद द्वारा उन्हें जागृत करना भवाई करवाने काम करे भवाई। कहा जाता है कि भवाई का उद्भव 14वीं सदी में असाई ठाकर ने किया था। भवाई के उद्भव के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। उंझा के मुखिया हेमा पटेल की बेटी थी गंगा, जिसको एक विधर्मी ने अगवा कर लिया। हेमा पटेल के पुजारी थे असाई ठाकर। असाई ठाकर विधर्मी के पास गए और गंगा को मुक्त करने के लिए कहा, तो विधर्मी ने असाई की परीक्षा करते हुए कहा, यदि गंगा तुम्हारी सचमुच की बेटी है तो तुम गंगा के साथ एक थाली में खाना खाओ। यह वो जमाना था जब ब्राह्मण किसी के हाथ का पका हुआ खाना ग्रहण नहीं करते थे, परंतु बेटी को बचाने के लिए असाईत ने गंगा के साथ एक थाली में खाना खाया। कॉमेडी भवाई का प्रमुख अंग है। ऐतिहासिक वेश हो या पौराणिक वेश हो, सारे वेश हास्य रस से प्रचुर होते हैं। 4 फीट लंबी तांबे की पाइप, जिसे भुंगल कहते हैं। गुजरात में भवाई की प्रस्तुति सामाजिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए की जाती है। आप आग लग्नों तमे अटकाव जो ने ने
रंगली अपने विचित्र अभिनय और हरकत से लोगों को आकर्षित करते हैं। ये दो पात्र भवाई की जान होते हैं। भवाई कलाकारों की आखिरी पीढ़ी के जाने माने भवाई गुरु श्री चिमन भाई नायक नई पीढ़ी को भवाई सिखा रहे हैं। भवाई जिंदा रहने की यह उम्मीद है। गुजरात सरकार ने भवाई को जीवंत रखने के लिए विसनगर में असाहित साहित्य सभा की रचना की है। तारे भवाई मरवा पड़ी सर छेल्ला श्वासों पर बैठी सर अतारे ओने कोई बैठी करी है केम नथी कारण के बहु दुनिया आगर विज्ञान में वधी गई। भवाई के अलावा सनेड़ो गुजरात में बूढ़े बच्चे जवान सभी में अत्यंत लोकप्रिय है। वास्तव में सनेड़ो का संबंध भवाई से है। इसलिए हमने हमारी इस प्रस्तुति में सनेड़ों को भी जोड़ा है। इस स्पर्धा का विषय वस्तु है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने भवाई का माध्यम इसलिए चुना है कि भवाई की उत्पत्ति की नींव में बेटी बचाओ की रोचक घटना छुपी है। यही नहीं, भवाई गुजरात की पारंपरिक कला बेटी है जिसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। तो इस कला बेटी को बचाने का यह छोटा सा प्रयास है और इसे फिर से लोकप्रिय एवं लोकभोग्य बनाने के लिए अग्रसर होना जरूरी है। आओ हम सब मिलकर संकल्प करें, हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, हम बेटियों को समान अधिकार और सम्मान देंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। और आपके बेटी की हैसियत से मैं आपको वचन देती हूँ, हम पढ़ी लिखी बेटियाँ अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करेंगे। वंदे मातरम। ये प्रस्तुति आपके संज्ञान हेतु न्यांदा गर्ल्स हाई स्कूल अहमदाबाद ने आपके समक्ष प्रस्तुत की। नमस्ते।